मैम। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेरी गुड आफ्टरनून। आज तो परिधि आई है बहुत दिनों बाद में। परिधि युवराज, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून बेटा, आप बहुत टाइम से क्लास नहीं ले रहे थे ना मैम? मेरे फीवर। अच्छा ओके, ये धर्मेश भी आज बहुत दिनों से कनेक्ट हो रहा है क्लास में। धर्मेश, युवराज, बहुत दिन हो गए बच्चों को क्लास नहीं हुए। मैम कहीं पर गए हुए। अच्छा ओके बेटा, चलो लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास। क्लास स्टार्ट करें बेटा आज की। यस मैम। पेपर कर लिया सब बच्चों ने बेटा? आज आपका पेपर था ना, पेपर कर लिया है? हैव यू डन योर पेपर? मैम कहीं पर गए हुए थे। क्या हुआ? मैम कहीं पर गए हुए थे। पेपर पेपर एग्जाम था ना आज? यस मैम। एग्जाम नहीं किया, पेपर नहीं किया क्या आपने? हमने तो कर लिया। जिसने नहीं किया वो कर लेना अपना पेपर कंप्लीट। यस, चैप्टर थर्ड पढ़ रहे थे हम एसएसटी का, कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन। चैप्टर थर्ड पढ़ रहे थे हम कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन। कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ लिया था हमने, माउंटेन्स के बारे में पढ़ लिया था, हिल्स के बारे में हमने पढ़ लिया था, प्लेट्यू, प्लेन्स। बेटा आप सब बच्चों को शायद नहीं समझ में आया हो क्योंकि आप लोग क्लास में नहीं थे जब मैंने ये चैप्टर करवाया। अब तो काफी चैप्टर कंप्लीट हो गया है, इसमें कुछ ही बार पार्ट बाकी है। ठीक है, पीछे का आप ऐसे करना जो स्कॉलर पे वीडियोस होंगे वो आप देख के कंप्लीट कर लेना अपना। चलो कॉन्टिनेंट्स फिर भी एक बार मैं दोबारा से बता देती हूँ, कॉन्टिनेंट्स कितने होते हैं। देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड। कितने कॉन्टिनेंट्स हैं? देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स। फर्स्ट नंबर एशिया, सेकेंड अफ्रीका, थर्ड नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका। यस। फोर्थ साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका। फिफ्थ ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, यूरोप। सिक्स अंटार्कटिका। हाँ बेटा लिख रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया। सेवन एंटार्कटिका। ठीक है, दीज आर 7 कॉन्टिनेंट्स, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया एंड एंटार्कटिका। ठीक है, एशिया इज द बिगेस्ट कॉन्टिनेंट। एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। ठीक है, इसके अलावा इंडिया भी हमारे एशिया का ही पार्ट है। इंडिया इज अ पार्ट ऑफ एशिया। इंडिया कहाँ पे है? एशिया कॉन्टिनेंट में है। ओके बेटा, एशिया कौन से कॉन्टिनेंट, इंडिया कौन से कॉन्टिनेंट में आता है? हमारा इंडिया इन विच कॉन्टिनेंट? इंडिया कौन से कॉन्टिनेंट में है बेटा? अभी बताया ना मैंने, एशिया कॉन्टिनेंट में आता है इंडिया। बेटे आवाज आ रही है क्या आप लोगों के पास मेरी? यस मैम। फिर यस नो कुछ आंसर ही नहीं दे रही हूँ मैं, कुछ जो पूछ रही हूँ रिप्लाई। यस यस मैम आवाज आ रही है। यस मैम आ रही है आवाज। आप रिप्लाई नहीं कर रही हो। इंडिया कौन से कॉन्टिनेंट में आता है? एशिया में। किसमें आता है? एशिया में। एशिया कॉन्टिनेंट में आता है। ठीक है, एशिया कॉन्टिनेंट। और एशिया जो कॉन्टिनेंट है इट इज द बिगेस्ट कॉन्टिनेंट, सबसे बड़ा है।
कॉन्टिनेंट क्या होता है बेटा? लार्ज एरिया ऑफ लैंड, जमीन के बड़े हिस्से जो होते हैं वो कॉन्टिनेंट होते हैं। और हमारी अर्थ पे 21% लैंड है, सॉरी 29% लैंड है, उसमें जो लैंड है अलग अलग तरीके है, कहीं पे माउंटेन है, कहीं पे हिल्स है, कहीं पे प्लेट्यू है, कहीं पे प्लेन है, ठीक है, कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे छोटी पहाड़ियां है, बड़ी बड़े पहाड़ है, कहीं पे वैलीज है, घाटियां है, कहीं पे मैदान है, ठीक है। तो एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, और जो सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन सा बेटा? स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट विच इज मैम? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट। ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट। ऑस्ट्रेलिया हमारा सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है। समझ में आ गया बेटा सबको? यस मैम। फिर इसके बाद हम ओशियंस की बात कर रहे थे। किसकी? ओशियंस की। तो ओशियंस फिर से लिखेंगे हम। ओशियंस कौन कौन से? ओशियंस क्या होते हैं? माइक ऑफ रखो युवराज। धर्मेश कहाँ से आवाज आ रही है? यस बेटा, हमारी अर्थ पे 71% क्या है? वाटर है। 29% क्या है? लैंड है, ठीक है। ज्यादा क्या है? पानी है। इसीलिए स्पेस से देखने पे हमारी अर्थ ब्लू कलर की दिखाई देती है, क्योंकि पानी ज्यादा है, पानी दूर से ब्लू कलर का दिखाई देता है। 29% लैंड है, इसकी बात कर ली हमने। लैंड में क्या क्या चीजें हमने पढ़ी थी? माउंटेन, हिल्स पढ़ ली, ठीक है, वैली, घाटियां जो होती है वैलीज, इसके अलावा हमने क्या पढ़ा था? प्लेन्स, मैदान, प्लेट्यूज, ठीक है। इसके बाद में हमने देखा डेजर्ट, जिसमें कोल्ड डेजर्ट, हॉट डेजर्ट दोनों देखे थे। कोल्ड डेजर्ट, हॉट डेजर्ट। कोल्ड डेजर्ट लद्दाख, जो जम्मू कश्मीर में लद्दाख है, जो हमारे नॉर्थ में आता है, जहाँ पे बर्फ ही बर्फ होती है। हॉट डेजर्ट, जहाँ पे बहुत गर्मी है, मिट्टी ही मिट्टी है, जो हमारे राजस्थान में है, ठीक है। थार डेजर्ट जो है। फिर अब बात कर रहे हैं हम लैंड की, सॉरी वाटर की। तो वाटर किस फॉर्म में है हमारे यहाँ पे? हमारी अर्थ में पानी कहाँ कहाँ पे, किस किस फॉर्म में है? अर्थ पे जो वाटर है वो किस फॉर्म में है? ओशियंस में, सीज में, रिवर्स में, वेल्स में, पॉन्ड्स में, ट्यूबवेल्स से, और इसके अलावा रेन, बारिश का जो आता है। तो ये हमारे वाटर के सोर्स हैं, पानी। ओशियंस में महासागर जो होते हैं, समुद्र होते हैं, नदियां होती हैं, कुएं हैं, तालाब है, ट्यूबवेल्स है, और बारिश है, यहाँ से हमें पानी मिलता है, ठीक है। हमारी लैंड का जो 71% वाटर है वो इसी फॉर्म में है। तो ओशियंस की बात करें तो ओशियंस क्या होते हैं? लार्ज वाटर बॉडीज। लार्ज वाटर बॉडीज मतलब जहां पे बहुत ज्यादा पानी होता है वो ओशियंस होते हैं। ऐसे वाटर बॉडीज जहां पे बहुत ज्यादा पानी होता है, आपने टीवी में देखा होगा, बड़े बड़े समुद्र देखे होंगे, महासागर, बड़े बड़े महासागर देखे होंगे टीवी में आपने कभी, ठीक है। जैसे ज्योग्राफी, नेशनल ज्योग्राफी है, एनिमल प्लैनेट है, इन चैनल्स पे दिखाते हैं, बड़े बड़े समुद्र है, कई मूवीज में भी देखा होगा, अभी देखते हो तो, बड़े बड़े जो पानी की, जिनमें बहुत सारा दूर दूर तक पानी ही पानी, बड़े बड़े शिप चलते हैं, सबमरीन चलते हैं, जहाँ पे बड़े बड़े, वो क्या है? ओशियंस, ठीक है। ओशियन से थोड़े छोटे होते हैं सीज, समुद्र जिसे हम कहते हैं, ये तो महासागर होते हैं, ये सीज जो होते हैं ये थोड़े छोटे होते हैं, किससे? ओशियन से, ठीक है। अब कौन कौन से ओशियंस हैं उनकी बात करते हैं। हमारे अर्थ पे कौन कौन से ओशियंस हैं? देयर आर फाइव ओशियंस
जैसे 7 कॉन्टिनेंट है वैसे ही कितने ओशंस हैं? 5. देयर आर 5 ओशंस. ठीक है, कितने ओशंस है बेटा? हाउ मेनी ओशंस कितने हैं बताओ मुझे. 5 मैम. 7 ओशंस. ओशन बोर्ड पे लिख रखा है मैंने. कितने हैं सब बच्चे बोलो? हाउ मेनी ओशंस मैम? 5 ओशन. बेटा आप जब मैम कुछ पूछती है तो उसका आंसर देना होता है. ऐसे बिल्कुल चुपचाप मत बैठा करो, थोड़ा एक्टिव रहो, अवेयर रहो. देयर आर 5 ओशन. अ कॉन्टिनेंट कितने पढ़े हैं हमने? कितने कॉन्टिनेंट होते हैं? कॉन्टिनेंट कितने होते हैं? ओशंस तो 5 है, कॉन्टिनेंट कितने हैं? 7 है. 7 पढ़े थे ना अभी बोर्ड पे, लिखे थे मैंने 7 कॉन्टिनेंट्स. एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका. ठीक है, अब हम ओशंस लिखेंगे. कौन कौन से ओशंस हैं? द पैसिफिक ओशन, जिसे हिंदी में प्रशांत महासागर भी कहते हैं. द पैसिफिक ओशन. ओशन ये बेटा सबसे बड़ा ओशन है हमारी अर्थ पे, सबसे बड़ा ओशन, लार्जेस्ट, सबसे बड़ा भी है और सबसे गहरा भी है, डीपेस्ट ओशन. ठीक है, सेकंड है द अटलांटिक ओशन. सेकंड है हमारा द अटलांटिक ओशन. पहले कौन सा है? द पैसिफिक ओशन. सबसे लार्जेस्ट भी है और डीपेस्ट भी है. डीपेस्ट क्या होता है? गहरा. डीपेस्ट क्या होता है? गहरा मतलब ये ओशन बहुत ज्यादा गहरा है. ठीक है, लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट ओशन. सेकंड है द अटलांटिक ओशन. कौन सा है? द अटलांटिक ओशन. ठीक है, नेक्स्ट है द इंडियन ओशन. द इंडियन ओशन. फोर्थ है हमारा द आर्कटिक ओशन. द आर्कटिक ओशन. ओशन सेकंड है हमारा, सॉरी फिफ्थ है द साउदर्न ओशन. साउदर्न बेटा कई कई बुक्स में साउदर्न ओशन होता है, किसी बुक्स में नहीं भी लिखा हुआ, क्योंकि साउदर्न ओशन है इसको ओशन कम ही मानते हैं, क्योंकि यहाँ पे पानी से ज्यादा बर्फ रहती है जमी हुई. ठीक है, कई की जगह पे आपकी बुक में साउदर्न ओशन दिया हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ. वैसे ज्यादातर इसको ओशन नहीं माना जाता क्योंकि यहाँ पे एनी टाइम बर्फ ही बर्फ रहती है, पानी वैसे मेल्ट नहीं होता है, यहाँ लिक्विड फॉर्म में नहीं होता है. ठीक है, सॉलिड फॉर्म में ही होता है पानी, यहाँ पे बर्फ ही बर्फ रहती है ज्यादातर यहाँ पे, और यहाँ कोई भी रहता भी नहीं है. इसको हम जो हम एंटार्क्टिका पढ़ते हैं ना, किसमें? कॉन्टिनेंट में. कॉन्टिनेंट में हमने एंटार्क्टिका पढ़ा था ना, वो एंटार्क्टिका और वो साउदर्न ओशन वो एक ही बात है. एंटार्क्टिका वहां पे कोई भी नहीं रहता है, कोई भी इंसान नहीं रहता, क्योंकि वहां वहां पे सिर्फ बर्फ ही बर्फ होती है. ठीक है, कभी कभी सूरज की रोशनी जब होती है सनलाइट से वो बर्फ मेल्ट हो जाती है, तो वहां उसे हम साउदर्न ओशन कह देते हैं. ठीक है, तो हमें तो ये 5 ही पढ़ने हैं. आपकी बुक में 5 है, ये लार्जेस्ट हो गया. और सबसे छोटा कौन सा है? आर्कटिक ओशन, स्मॉलेस्ट ओशन. ठीक है, समझ में आया बेटा? सबको, हैव यू अंडरस्टैंड ऑल स्टूडेंट्स? यस मैम. बिल्कुल, आप थर्ड वाले बच्चे बिल्कुल रिप्लाई नहीं देते.
Yes, ma'am. 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 मुझे ऐसा लग रहा है मेरे सामने बैठे हो ना तो आपको पकड़ पकड़ के इस तरह से हिलाऊं अच्छे से ताकि आप नींद में से जाग जाओ क्योंकि ऐसा लगता है मुझे जैसे कि सोते रहते हो। आपको समझ में नहीं आता तो आप उसको पूछ सकते हो, बेटा मैम मुझे ये समझ में नहीं आया, आप मुझे अगेन बता दो। बस चुपचाप बिल्कुल मत रहा करो, ऐसे साइलेंट होके मत बैठा करो। मैम चुप पूछती है बताया करो, नहीं समझ में आया पूछो, टू टाइम्स पूछो, थ्री टाइम पूछो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, नहीं समझ में आया पूछना चाहिए, ठीक है ना। चलो हमारे कॉन्टिनेंट कितने थे? सेवन। हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स? हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स? कितने कॉन्टिनेंट थे मैम? सेवन। सेवन कॉन्टिनेंट्स पढ़े ना हमने। और ओशंस कितने हैं? फाइव। फाइव ओशन, सेवन कॉन्टिनेंट है। ओशन कौन कौन से हैं? फिर से, द पैसिफिक ओशन, द अटलांटिक ओशन, द इंडियन ओशन, द आर्कटिक ओशन, द साउदर्न ओशन। चलो सब बच्चे बोलो द पैसिफिक ओशन, रिपीट इट, सब बच्चे रिपीट करो इसको, द पैसिफिक ओशन, द पैसिफिक ओशन, द अटलांटिक ओशन, द अटलांटिक ओशन, The planting ocean, Atlantic Ocean, Atlantic, A-T-L-A-N-T-I-C, Atlantic Ocean, Atlantic, the Indian Ocean, Atlantic Ocean, the Indian Ocean, Indian Ocean, Indian Ocean, the Arctic Ocean. Arctic. Arctic. The Arctic Ocean. The Arctic Ocean. Ocean. The Southern Ocean. The Southern. Southern. South से Southern बनाते हैं हम, Southern Ocean. ठीक है, ये हमारे five oceans हो गए और हमने seven continent पढ़ लिए, five oceans पढ़ लिए, ठीक है बेटा समझ में आया। सबसे लार्जेस्ट ओशन कौन सा है? पैसिफिक। सबसे डीप, सबसे बड़ा भी और सबसे गहरा, डीप होता है गहरा, सबसे गहरा भी है सबसे बड़ा भी है, ठीक है। अटलांटिक, इंडियन, और सबसे छोटा स्मॉलेस्ट कौन सा है? आर्कटिक ओशन सबसे स्मॉलेस्ट ओशन है। समझ में आया बेटा? यस मैम। यस मैम। यस मैम। Now an island. Island क्या होता है? What is an island? A piece of land that is surrounded by water from all sides. ठीक है, ये आइलैंड क्या होता है बेटा? देखो ये मान लो जमीन है, ये लैंड है, जमीन है। अब इसके चारों तरफ क्या है? पानी ही पानी है, समुद्र ही समुद्र है, बड़ा सा जमीन का टुकड़ा है, लैंड है। यहां चारों तरफ क्या है इसके? पानी। इसको हम क्या कहेंगे? आइलैंड कहेंगे। यहाँ पे बड़े पेड़ पौधे भी हैं, कुछ रहते भी हैं, लोग भी रहते हैं। मान लो थोड़ा बड़ा है, बड़ी लैंड है तो लोग भी रहते हैं, नहीं है तो सिर्फ पेड़ पौधे हैं, जानवर है, ये सब है। तो ए पीस ऑफ लैंड, जमीन का टुकड़ा, दैट इज सराउंडेड, सराउंडेड मतलब घिरा होना, जो किससे घिरा हुआ है? बाय वॉटर, पानी से, पानी है ना इसके चारों तरफ। फ्रॉम ऑल साइड, ऑल साइड मतलब चारों तरफ। ऐसी जमीन, ऐसी जमीन, ऐसी लैंड जिसके चारों तरफ क्या हो?
पानी ही पानी हो, सराउंडेड बाय वॉटर दैट इज कॉल्ड एन आइलैंड, इसको हम आइलैंड कहेंगे। कई आइलैंड पे घूमने जाते थे कि वो इस आइलैंड पे घूमने गए, उस आइलैंड पे, यहाँ पे क्या होता है चारों तरफ जिस जमीन के पानी ही पानी होता है। जैसे हमारे इंडिया में दो आइलैंड है, कौन से, अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप। इंडिया का मैप देखा हो तो आपने, इंडिया मैप देखा है सब बच्चों ने, इंडिया का मैप देखा है ना? यस मैम। एक बार इस बुक में देखो, अभी लुक एट दिस बुक, सबको दिखाई दे रही है? यस मैम। यस मैम। ब्लू कलर, यस मैम। ये ब्लू कलर का क्या है बेटा? ये ब्लू कलर, यस मैम, पानी। ये ब्लू कलर जहां जहां है वहां पे ओशंस हैं, समुद्र है, पानी है। जहां जहां ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है, पानी है। जहां ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है वहां पे क्या है? जमीन है। जहां पे ग्रीन दिखाई दे रहा है, जहां पे ग्रीन कलर है वहां पे लैंड है, जमीन है। ग्रीन, ग्रीन कलर है वो क्या है? लैंड है। ठीक है, अब देखो कई छोटे छोटे ग्रीन कलर के छोटे छोटे पीसेस दिखाई दे रहे हैं, छोटे छोटे टुकड़े। जैसे यहाँ देखो छोटे 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 ग्रीन कलर के अलग अलग डॉट डॉट सी बनी हुई है कोई बहुत। यस मैम। जिसके चारों, ये छोटे 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 टुकड़े हैं, इनको हम आइलैंड्स बोलते हैं, क्योंकि इनके चारों तरफ ब्लू कलर का क्या है? ये वाटर ही वाटर है। ठीक है, मतलब कि जो लैंड जिसके चारों तरफ पानी ही पानी होता है वो क्या होती है? आइलैंड होती है। जैसे हमारे इंडिया में अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, ये क्या है? आइलैंड है। छोटी छोटी जमीन के टुकड़े, ज्यादा बड़ा नहीं होती, ज्यादा बड़ी जगह नहीं होती है, कोई बड़ी भी होती है कोई छोटी भी होती है। तो जहां पानी होता है चारों तरफ समुद्र होता है उसे हम आइलैंड कहते हैं। समझ में आ गया? आइलैंड क्या होता है? ए पीस ऑफ लैंड दैट इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल साइड, जिसके चारों तरफ पानी। समझ में आया बेटा? हैव यू अंडरस्टैंड ऑल स्टूडेंट्स? यस मैम। एनी डाउट? नहीं समझ में आया? नो मैम। सबको समझ में आ गया? यस मैम। अब मैं बात करती हूँ किसके बारे में? अब हम पढ़ेंगे पेनिनसुला। आपके एक चीज और है, पेनिनसुला। देखो आइलैंड जो हमने अभी पढ़ा था, मैंने अभी बताया आइलैंड के चारों तरफ पानी होता है। ठीक है, चारों तरफ पानी होता है, बट ए पीस ऑफ लैंड, ऐसी लैंड, ऐसी जमीन जिसके चारों तरफ नहीं, सिर्फ तीन साइड में पानी हो, जिसके तीन तरफ वाटर होता है, वो उसे हम पेनिनसुला कहते हैं। सिर्फ इतना सा डिफरेंस है। लिसन, लिसन अगेन, लिसन, सुनो। अब सुनो बेटा, परिधि है, युवराज कहाँ से आवाज आ रही है? यस, पेनिनसुला और आइलैंड। आइलैंड में हमने क्या पढ़ा कि ऐसी लैंड जिसके चारों तरफ पानी ही पानी होता है, ऐसी जमीन। बट पेनिनसुला थोड़ा सा डिफरेंस है, बस मैंने इतना सा इरेज किया है, ऑल साइड। अब इसमें ऑल साइड की जगह पे हम थ्री साइड लिख देंगे, क्योंकि ऐसी जमीन जिसके तीनों तरफ पानी होता है। देखो एक बार थोड़ा सा रफली मैप बनाती हूँ मैं इंडिया का। अब देखो बेटा, यहाँ क्या है? वाटर है। यहाँ भी क्या है? वाटर। ये हमारे इंडिया का मैप हो गया, इंडिया है। यहाँ पानी है, यहाँ पानी है। नीचे की साइड आपको, आप देख नहीं पा रहे हो, तुमको लगता है आप दिख नहीं रहा होगा, आपको दिखाई नहीं दे रहा ना नीचे का बेटा? नीचे मैम दिख रहा है, नीचे वाला दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, नीचे नहीं दिख रहा होगा, कैमरे पे आ ही नहीं रहा है, बोर्ड कहाँ से दिखेगा आपको? हाँ यहाँ दिख जाएगा।
ये हमारा इंडिया हो गया मान लो आप, ठीक है ना। अब देखो इंडिया का ये वाला जो पार्ट है ना साउथ, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। ये नॉर्थ है, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। डायरेक्शंस पता है सबको बेटा? डायरेक्शंस के बारे में पता है सबको? यस मैम। ये साउथ हो गया नीचे की साइड, ऊपर नॉर्थ हो गया, इधर ईस्ट हो गया, इधर वेस्ट हो गया। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे समुद्र ही समुद्र है, पानी ही पानी है। यहाँ पे भी क्या है? समुद्र है, पानी ही पानी है। यहाँ पे अरेबियन सी है, अरब सागर, अरेबियन सी। यहाँ पे बे ऑफ बंगाल, यहाँ पे भी पानी है। नीचे एक ओशन, हमने ओशन पढ़ा है इंडियन ओशन, यहाँ पे क्या है? इंडियन ओशन। यहाँ पे क्या है? इंडियन बेटा ये माइक ऑफ करो, किसके यहां से आवाज आ रही है, डिस्टर्बेंस हो रहा है। यहाँ पे की क्या है? पानी ही पानी। आप देखो जैसे हमने आइलैंड में पढ़ क्या पढ़ा था, चारों तरफ पानी ही पानी होता है, वो आइलैंड होता है। अब पेनिनसुला की बात करें, ए पीस ऑफ लैंड दैट इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम थ्री साइड, तीन तरफ पानी जिस जमीन के होता है उसे पेनिनसुला कहते हैं। तीन तरफ हो गया ना, एक दो तीन, तीन तरफ पानी हो गया। देखो एक तरफ अरेबियन सी आ जाता है, एक तरफ बे ऑफ बंगाल आ जाता है, एक तरफ इंडियन ओशन, तीनों तरफ पानी ही पानी हो गया। कौन सी जमीन है? ये जमीन है, ये हमारे साउथ का जो पार्ट है, हमारा साउथ का, जहाँ पे महाराष्ट्र है, केरल है, कर्नाटक है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है? इसके तीनों तरफ पानी है, इस जमीन के, ये लैंड है, जमीन है, इसके इधर भी पानी, इधर भी और इधर भी, हो गया तीनों तरफ, वन टू थ्री, थ्री साइड हो गई, थ्री साइड हो गई ना बेटा। समझ में आया बेटा? अरे आवाज आ रही है क्या बेटा आप लोगों को? वॉल्यूम आ रही है क्या? तो तीनों तरफ, जिस जमीन के तीनों तरफ पानी होता है उसे हम पेनिनसुला कहते हैं। तो हमारी इंडिया का ये वाला पार्ट है इसे पेनिनसुला कहते हैं, इंडिया का जो साउथ वाला पार्ट है इसे पेनिनसुला कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये वाली लैंड है तीनों तरफ से वाटर से कवर होती है। आइलैंड होता है, जैसे यहाँ पे आइलैंड है हमारा, यहाँ पे अंडमान निकोबार है, यहाँ पे, यहाँ पे अंडमान है, अंडमान निकोबार, ये छोटी छोटी जमीन के टुकड़े हैं। तो इसके चारों तरफ पानी ही, ये सारे पानी में है, तो ये तो आइलैंड हो गए क्योंकि इनके तो चारों तरफ वाटर ही वाटर है। और इसके तीनों साइड में है क्योंकि ऊपर तो लैंड है, सिर्फ थ्री साइड्स में वाटर है, थ्री साइड वाटर से कवर है, देन इसको हम पेनिनसुला कहते हैं, इंडियन पेनिनसुला। समझ में आ गया? पेनिनसुला क्या होता है? पीस ऑफ लैंड दैट इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम थ्री साइड्स। हैव यू अंडरस्टैंड बेटा? समझ में आ गया बेटा? यस मैम। आज तो यस मैम, यस मैम। आज क्लास कर रहे हैं, ठीक है, बाय बेटा, कल की क्लास में पढ़ेंगे। और बाय बेटा, बाय। थैंक यू, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून बेटा।